गाइस वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम अच्छा हूँ, नमस्ते। सो गाइस, आपको पता था कितने दिनों से तो मैं रुद्रपुर में था और आज मैं फाइनली जा रहा हूँ हल्द्वानी। तो फिलहाल अभी बजा 3 बजे। सो गाइस, रूम में तो कुछ ऐसा रहा है, बैग वैग सब पैक हो चुके हैं और यहाँ पर ये लोग भी रेडी हो चुके हैं तीनों, और मैं रेडी नहीं हुआ हूँ फिलहाल। तो अभी मैं रेडी होता हूँ, इसका दिखाते हैं आपको। दोस्तों, मैं हो चुका हूँ रेडी और अभी क्या कहते हैं, मम्मी लोग रेडी हो रहे हैं अच्छे से, कुछ सामान पैक कर रहे हैं जो हमारा छूटना जाए कुछ। तो हाल ही में हम लोग केदारनाथ जाने का भी प्लान सोच रहे हैं गाइस। तो आप लोग कमेंट पे ज़रूर बताना अगर आपको केदारनाथ की ट्रिप देखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और फिलहाल तो हम अभी जा रहे हैं हल्द्वानी, तो बाकी बीच में क्या क्या होता रहता है मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा, तो इसलिए बने रहना मेरे साथ। फिलहाल दोस्तों, बैग वैग लेके सब निकल चुके हैं हम लोग, और अभी मैं तो स्कूटी में आ रहा हूँ यार, इन लोगों ने मेरे को धोखा दे दिया। ये तो सारा बैग लेके स्कूटी में आना पड़ रहा है और ये लोग जा रहे हैं बस में। फिलहाल बाहर का मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है और आज फाइनली मैं अपनी स्कूटी में जाऊँगा, देख सकते हैं आप। ये अपनी धनो, तो ज़्यादा देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं हमने आज की राइड, तो बने रहे मेरे साथ। दोस्तों, हम निकल चुके हैं, अभी जस्ट घर से निकले हैं और अभी हम हैं किच्चा रोड पे, और किच्चा रोड पे निकल रहे हैं। गाइस, हम आ चुके हैं मेन रुद्रपुर वाले ट्रैक में। अब यहाँ से अप्रॉक्स 1 किलोमीटर पड़ेगा हमें, रुद्रपुर पहुँच जाएंगे हम वहाँ से अप्रॉक्स 1 किलोमीटर में। और इसको देखिए कैसी लग रही है, पिछले काफ़ी देख रहे हो आपसे। और अभी फ़िलहाल दोस्तों, हम पहुँचते हैं रुद्रपुर, फिर रुद्रपुर से अभी आप फ्यूल अप कराते हैं, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। और तब से आप थोड़ा सा वेट कर लो यार, शुरुआत आ चुका जाएगा रुद्रपुर, थोड़ा तेल भराते हुए निकलते हैं बढ़िया से। आप जब भी रुद्रपुर आएंगे तो आपको पीछे से ये पास दिखेगा, यहाँ से आप जा सकते हैं फतेह नगर। इसके दो रास्ते हैं, एक यहाँ पर ये वाला है, एक आगे गेट है, वहाँ से आप जा सकते हैं फतेह नगर को। और ये आपको जस्ट यहाँ पर रुद्रपुर के मेन हाईवे में दिख जाएगा रास्ता, आप ये एरिया है, ये दो गेट है, यहाँ से आप फतेह नगर हवाई अड्डे जा सकते हैं। और ये रास्ता गया सीधे रुद्रपुर को, और जो ये रास्ता है ये जा रहा है सीधे हल्द्वानी। गाइस के थोड़े से आगे आएंगे तो आपको यहाँ पर से दिनेशपुर, अशोक आइलैंड, गदरपुर, काशीपुर जाने का ये वाला रास्ता भी दिखेगा, तो ये वाला रास्ते से आप यहाँ को जा सकते हैं। तो मैंने ये थोड़ा आपको जरूरी समझा दिखाने के लिए, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। छोटा सा ये पार्क दिखेगा, ये मेन रोड से ही है और यहाँ पर आपको बहुत सारी गाड़ियाँ भी मिल जाती है जैसे कि दिख रहा, और यहाँ से आप जा सकते हो। देखिए, मैं एक बार जूम करके दिखा देता हूँ आपको, तो आप यहाँ से इतनी जगह जा सकते हैं भाई। तो गाइस, ज़्यादा देर नहीं करते, हम भी निकलते हैं अपनी तरफ और बने रहिए वीडियो में ऐसी, तो चलते हैं आगे। तो गाइस, जैसे आप यहाँ पर निकलेंगे तो आपको एक चेक पोस्ट दिखेगा, और चेक पोस्ट से आपको सीधे निकलना है, ज़्यादा देरी नहीं करनी है, सीधे चलना है उसके बाद। और यही पाथ में आपको पूरा आगे से चलना है, आपको यही पाथ पूरा हल्द्वानी पहुँचाएगा, तो चलते हैं हम। सो दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक ट्रेन की लाइन भी है, और जैसे कि आप वहाँ से चेक पोस्ट से थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको ये ट्रेन का ये दिख जाएगा यहाँ पर, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर काफ़ी अच्छी आप हद तक फोटो शूट भी कर सकते हैं और काफ़ी मजे कर सकते हैं यहाँ पर। रास्ते यहाँ पर खड़ा है गाइस, और यहाँ पर देखिए ट्रेन की पटरी है यहाँ पर, इतनी मस्त थी, तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं, फ़ोटो खिंचा सकते हैं। अच्छा ही है फिर फिलहाल, थोड़ा बहुत तो सही है यार गाइस, क्योंकि यहाँ पर आप फ़ोटो भी खिंचा सकते हैं, तो मेरे को लेट भी हो रहा है गाइस, तो यार मैं थोड़ा थोड़ा करके दिखाता हूँ और चलते हैं आगे। वही परेशान हो गया, उसमें मेरा दिमाग खराब है, बाकी तो मैं उससे खुद ही परेशान हूँ। और यहाँ पर कुछ ऐसा ही माहौल है, और अभी गर्म भी बहुत हो रहा है, तो ज़्यादा देर नहीं करते गाइस, जस्ट चलते हैं हल्द्वानी की ओर, तो बने रहे मेरे साथ। सो गाइस, ये मेन हाईवे से आप यहाँ पर आएंगे तो आपने यहाँ पर रुद्रपुर में काफ़ी अच्छा नाम सुना होगा, एक संजय वन चेतना केंद्र, और यहाँ से अंदर जाते हैं संजय वन को, देख सकते हैं आप अंदर की ओर, काफ़ी अच्छा है घूमने का। और यहाँ पर
मेन रास्ते से आपको दिख जाएगा यहाँ पर जाने का ना। इसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें चुनी हैं, क्या कहते हैं यहाँ पर, मतलब बहुत सारे जंगली जानवर और क्या कहते हैं बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, जैसे हाथी होते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर काफ़ी पानी आने का भी है अंदर साइड। तो आप यहाँ पर आइए गाइस, तो जब भी आएंगे तो कभी फुर्सत से आना, क्योंकि अभी तो तुम्हारे दादी का है नहीं यहाँ पर टाइम ज़्यादा, तो इसलिए मैं यहाँ जा नहीं रहा हूँ अंदर एक्सप्लोर करने। तो कभी आना होगा यहाँ को तो मैं बिल्कुल दिखाऊंगा आपको यहाँ पर गाइस। तो फिलहाल हम जा रहे हैं हल्द्वानी ना, तो हमें थोड़ा देर भी हो रहा है ना यार। और जिसको मेरी केदारनाथ ट्रिप देखने गाइस, तो यार फटाफट कमेंट बॉक्स में बहुत सारा जय बाबा की लिख दो, उसका तुम्हारा दादू सीधे वहीं को जाएगा केदारनाथ। गाइस जैसे आप थोड़ा सा आगे निकलेंगे तो आपको ये फर्स्ट ट्रैक के बाद सेकेंड रेलवे ट्रैक दिखेगा जैसा आप देख रहे होंगे, और यहाँ से देखिए आप उधर को, पास में ही हल्द्वानी, ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो देखिए चलते हैं आगे, और अभी तक मज़ा ही आ रहा होगा आपको, आशा करता हूँ मैं मेरे व्लॉग में। और यहाँ पर देखिए सेकंड चेक पोस्ट भी मिलेगा पुलिस वालों को आपको, इस बार मतलब यार बहुत बिजी रोड है यार, तो इस बार मतलब गाड़ियाँ चलते रहते गए 24 घंटे। और यहाँ से हल्द्वानी है 18 किलोमीटर, ये 18 किलोमीटर दिख रहा है पर गए तो इतना 18 किलोमीटर है नहीं है, पास ही में है। तो चलिए आगे को चलते हैं। ओ भाई क्या चला रहा है भाई बंदा गाड़ी, अबे जंगल है करके ऐसा चलाएगा क्या, लुक ब्लडी फूल गधा टाइप का आदमी, स्प्लेंडर तो ऐसा चला रही है जैसे एंगर आया भूसा चला रहा होगा। अरे दादू को झसका दिया भाई उसने, मतलब लिटरली यार उसने झसका दिया यार। सो गाइस हल्द्वानी पहुंचने वाले थे पर इसको ये बैग बुक के ये थक चुकी है, शक्ल दिखा दे एक बार, तो ये मुँह छुपा रही कैसे लग रही है हेलमेट पहन के चोर टाइप की। सो गाइस जोमेटो भाई देख लो गाइस, हाँ मिल चुके हैं जोमेटो भाई की 2 कॉपी लग रही नहीं लग रही है। गाइस अगर आप इस रोड पर आएंगे तो आपको हमारे इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर का घर मिल जाएगा, आपको पता है ना कौन है, और सौ भाई यहाँ पर है, यहाँ इस सोसाइटी में अंदर रहते हैं वो, तो अभी हमसे तो कहाँ मिलेंगे यार, वो बड़े लोग हैं तो पता ही है, दादू छोटा मोटा ब्लॉगर है। पर मैं यहाँ से आता तो मैंने ये जरूर समझा कि आपको बताना जरूरी है, तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। और ये देखिए इनकी सोसाइटी है यहाँ पर, सौजी भाई की सोसाइटी, और ये मेन रोड के बगल में दिख जाएगी आपको। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ घर हल्द्वानी, आशा करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।